हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल में। और हम बात करने वाले हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को लेकर के। तो आइए इसके एक एक पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक कल शाम को की गई। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा और DOPT के सचिव वर्तमान में हैं सी चंद्रमौली, ये लोग चयन समिति में शामिल रहे। इसमें ये फैसला लिया गया कि नए मुख्य सतर्कता आयुक्त होंगे कौन, तो संजय कोठारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हैं संजय कोठारी और ये वर्तमान में रामनाथ कोविंद, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, तो इनके सचिव हैं ये संजय कोठारी। लेकिन अब नए मुख्य सतर्कता आयुक्त हो जाएंगे कौन, तो संजय कोठारी। ये हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं। इनके अलावा ये भी फैसला लिया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त अब होंगे कौन, तो बिमल जुल्का, और ये रहे बिमल जुल्का जो कि मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। अब यदि हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट बात करना चाहें तो यहाँ पर हम बात करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग को लेकर के, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि CVC को लेकर के, जो है भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के भ्रष्टाचार नियंत्रण करने की एक सर्वोच्च संस्था है। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं जो कि अध्यक्ष होते हैं। इसका गठन 11 फरवरी 1964 को किया गया था। अब यदि हम बात करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग को लेकर के, यानी कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को लेकर के, तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है किसी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने की एक संस्था है और इसका निर्माण 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।